नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके आपके लिए एक और नई वीडियो अबाउट द मारुति सुजुकी फ्रॉन्क। तो इसके पहले जो आपने मेरी जो मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स की जो टॉप मॉडल थी जहां पे वेलोसिटी एडिशन वाला जो था अल्फा, उसकी वीडियो पे इतना प्यार दिखाया उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड उसके बाद टॉप मॉडल के बाद तो भैया मोस्ट वैल्यू फॉर मनी मॉडल लेके आना बनता ही है। तो कौन सी मॉडल है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स की जो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बनती है, कहाँ से आप ले सकते हो कलकत्ता में अगर आप हो, कितने में आपको पड़ेगी, सभी इसी वीडियो में कवर करेंगे। लेंगे एक छोटा सा वॉक अराउंड, सिंपल सरल भाषा में आपको बताएंगे अगर ये गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो क्यों आपको लेनी चाहिए। सो वीडियो के एंड तक बने रहना, पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर से कर देना, चैनल में नए हो तो प्लीज ज्वाइन द फैमिली, डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल नोटिफिकेशन फॉर मच मोर फ्यूचर अपडेट्स विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। So, हमारे सामने जो मॉडल है ये है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का डेल्टा प्लस वेरिएंट। डेल्टा प्लस वेरिएंट बन जाता है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपए में आपको ऑन रोड दे देता है आपको एसयूवी के मजे, एट द सेम टाइम हैचबैक का कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। मानो या ना मानो वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग कार्स ये इसी तरह से नहीं है भैया, मैं बता रहा हूँ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कार्स इन करेंट टाइम्स। और दिस इज नॉट जस्ट द डेल्टा वेरिएंट, इसके अंदर में अगर आप देखो तो वेलोसिटी किट भी लगी हुई है। तो अप्रॉक्सीमेटली 43,000 देकर आप अपने फ्रॉन्क्स के किसी भी मॉडल पे वेलोसिटी किट लगवा लो, उसको एक अलग स्टैंड आउट और रोड प्रेजेंस मिल जाएगी। फिलहाल ज़्यादा कुछ है नहीं भैया, बट आपको की फीचर्स हम बताते हैं इस वीडियो के वॉक अराउंड में। और हाँ ऑफ कोर्स अगर ये गाड़ी लेनी है तो आपको आना है नेक्सा दीवार्स जो आपके रूबी में पड़ता है, यहाँ पे आइए सोमनाथ दास से मिलिए, उनका नंबर मैं आपको दे दे रहा हूँ, बहुत अच्छे इंसान है गाइज, आपको बेस्ट ऑफर बेस्ट टाइम पर डेफिनेटली इस कार पे मिल जाएगा। यू जस्ट नीड टू टेल देम दैट यू आर माय सब्सक्राइबर एंड जस्ट टेक माय नेम। तो शुरू करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से, ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं गाइज, काफी क्रोम का यूज किया है इस पर्टिकुलर कलर में जो वन ऑफ द मोस्ट लव्ड वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग कलर जो है वो। यहाँ पर अगर बात करें तो ग्रैंड विटार से इंस्पायर्ड इसके जो DRLs और टर्न इंडिकेटर्स हैं जो वो है, यहाँ पे LED में हमें हेडलैम्प जो है वो देखने को मिल जाती हैं विच इज़ ग्रेट। डेल्टा वेरिएंट में यहाँ पे मैट ब्लैक में आपको फ्रंट ग्रिल मिलती है बट नो 360 डिग्री कैमरा विच आई थिंक इज ओके फॉर अ वैल्यू फॉर मनी एडिशन। सुजुकी की बड़ी सी बैजिंग जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। मूविंग ऑन, यहाँ पर जो नॉर्मल से वाइपर्स हैं हमें वही देखने मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ORVM जो है वो बॉडी कलर में आते हैं विद टर्न इंडिकेटर्स इंटीग्रेटेड इन टू देम। साइड प्रोफाइल की बात करें तो आपके स्क्रीन के सामने में मैं डायमेंशन दे दे रहा हूँ, बट अगेन वैल्यू फॉर मनी में आपको चारों के चारों जो है वो अलॉयज मिल जाते हैं, डिस्क ब्रेक ऑन योर फ्रंट टू टायर्स व व्हील्स ओनली, जिनका साइज है 195/60 R16 16 इंच के प्रॉपर आपको टायर्स जो है यहाँ पर गुडियर के देखने को मिल जाते हैं। अच्छी सी स्ट्रॉन्ग सी रूफ रेल जो है वो मिल जाती है जो आई बिलीव प्रोबेबली फंक्शनल भी है। कमेंट सेक्शन में आप बताओ मैं सही हूँ या गलत हूँ। रेन शेड जो है वो हमें मिल जाता है विच इज़ अ पार्ट ऑफ द वेलोसिटी किट। बॉडी कलर जो हमें डोर हैंडल्स है वो देखने को मिल जाते हैं और राइट साइड में हमें फ्यूल लिड भी जो है वो देखने को मिल जाती है। बैक प्रोफाइल की बात करें तो हमें वही ब्लैक में मिलती है विथ योर कनेक्टेड LED टेल लैम्प्स, फ्रॉन्क्स की बैजिंग यहाँ पर, और यहाँ पर आपको मिल जाता है हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प विद शार्कवेन एंटीना, रियर डिफॉगर, नो वाइपर और वॉशर। सो अगेन वैल्यू फॉर मनी में क्या वो दे सकते थे नहीं दे सकते थे, स्लाइटली डिबेटेबल बट दैट्स ओके। चार के चार रिवर्स पार्किंग सेंसर्स जो हमें मिल जाते हैं बट हमें नहीं मिलता है रिवर्स पार्किंग कैमरा, बट यू कैन ऑब्वियसली गेट इट इंस्टॉल्ड एज अ पार्ट ऑफ योर एक्सेसरी फ्रॉम नेक्सा इटसेल्फ, विच आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आप रेयर कैमरा लगा लोगे तो आपको और भी ज़्यादा कन्वीनियंस हो जाएगी। बूट में चलने के पहले गाइज यहाँ पे कोई पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं है तो हमें यहाँ पर चाबी में ही जो लॉक अनलॉक का फंक्शन है जो वो मिलता है। तो चलो हम कार को खोल देते हैं और बूट में रिक्वेस्ट सेंसर प्रेस करके बूट को खोल दिया, वही पार्शल ट्रे जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अच्छी खासी बूट स्पेस जो है वो हमें ऑफर हो जाती है विथ 15 इंच के स्पेयर व्हील, सो नो कॉस्ट कटिंग बीइंग डन ओवर हियर विच इज अ ग्रेट थम्स अप फ्रॉम माय साइड। चलते हैं इसके रेयर प्रोफाइल पे और देखते हैं कि क्या कंफर्ट ऑफर करता है। गाइज दिस कार है सरप्राइज मी एट सो मेनी लेवल्स, बिकॉज मुझे ऐसा लगा था कि छोटी सी गाड़ी को इन्होंने हाई सस्पेंशन में डाल दिया, बट मैं बिल्कुल गलत हूँ। यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच फैब्रिक में मिल जाता है, डोर जो है वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री वाइड खुलता है, और बात करें अगर इसके नी रूम की और बात करें इसकी लेग रूम नी रूम की तो वो तगड़ा हमें मिल जाता है, कंसिडरिंग दिस सीट इज काफ़ी पीछे की हुई है ये सीट।
छोटी सी मार खाती है हेडरूम में, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, हल्का सा मार खाती है। कोई अगर पूरा अगर रेस्ट करना चाहे तो वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तीनों के तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो देखने को मिल जाते हैं 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ। दो एयरबैग जो है वो स्टैंडर्ड है सारे के सारे मॉडल में, विच इज ग्रेट। रेयर एसी वेंट इसमें नहीं आता है, बट यहाँ पर कुछ स्पेस मिल जाती है सामान या फोन रखने के लिए। यहाँ पर एक 5 वॉट का आउटपुट जो है वो, या 12 वॉट का आउटपुट जो है वो देखने को मिल जाता है। ये है इसमें यहाँ पे कुछ हुक्स एंड हैंडल, ग्रैब हैंडल, विच इज ग्रेट। सम इल्यूमिनेशन ओवर हियर, टैन या लाइट कलर में इसकी रूफ जो है वो दे दी गई है। आपको वेलोसिटी किट का पार्ट, ये सीट कवर जो है वो मिल जाता है, अच्छी क्वालिटी का है, अगेन विच इज अ प्लस फ्रॉम माय साइड। सेंटर हम्प की बात करें तो है, थोड़ा सेंटर हम्प है, दो बड़े एडल्ट्स और एक बच्चा तो आराम से, टीनेजर इनफैक्ट आराम से इस कार में बैठ सकता है। चलिए चलते हैं फ्रंट सीट पे और देखते हैं क्या हमें कंफर्ट जो है अब ये ऑफर करता है। वन सेकंड गाइस, दिस इज योर मोस्ट वैल्यू फॉर मनी मॉडल बिकॉज अगेन इट इज योर डेल्टा विच इज गिविंग यू मोस्टली ऑल द फीचर्स। कुछ एक चीज है अगर आप मेरे को पूछोगे तो, अगर मेरे को शौक है तो मैं वेलोसिटी किट लगाऊंगा, वरना आई वुड गिव माय फर्स्ट प्रेफरेंस ऑन द रेयर पार्किंग कैमरा। हमें कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता, बट दैट्स ओके बिकॉज आपकी अगेन जो चाबी है उसमें लॉक अनलॉक का फंक्शन हमें मिल जा रहा है। यहाँ पे ORBM के फंक्शंस, लॉक अनलॉक, चाइल्ड लॉक, चारों के चारों पावर विंडो, और वन साइड डाउन इज फॉर द ड्राइवर ओनली। हाइट एडजस्टेबल तो हमें यहाँ पर मैनुअली नहीं मिलती है, बट लंबार के लिए ड्राइवर सीट हमें मिल जाती है। 1 लीटर की बॉटल आराम से हर एक डोर में आराम से आ जाएगी। और अगर बात करें स्टीयरिंग की तो यहाँ पे खाली हाइट एडजस्टेबल स्टीयरिंग है, रीच नहीं है। डोर थर्ड सुन लेते हैं, डिसेंट लेदर रैप स्टीयरिंग नहीं मिलती है, बट डी कट में हमें स्टीयरिंग जो है वो मिल जाती है। यहाँ पर इंफोटेनमेंट की जो सिस्टम है टच में वो हमें देखने को मिल जाता है। कुछ फोन उठाने नहीं उठाने, फोन उठाने काटने और वॉइस कंट्रोल यहाँ पर, बड़ी सी सुजुकी की बैजिंग, एंड दिस इज योर हॉर्न एज वेल। यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑल ऑफ, ऑटो ऑन ऑफ, एंड योर हेडलाइट के कंट्रोल मिल जाते हैं। सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विच इज द सेम अक्रॉस, बल्कि छोटा सा ये टॉप मॉडल तो थोड़ा छोटा है, बट गेट्स द जॉब डन। अगेन एज आई सेड दैट दिस इज योर मोस्ट वैल्यू फॉर मनी। सो बहुत कुछ है जो टॉप मॉडल में होता है, यहाँ से आप सेटिंग से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर अपना यही जो पुराना वाला जो स्क्रू है उसी को यूज करना पड़ेगा। 5 स्पीड मैनुअली ट्रांसमिशन विथ यू नो, अब इंजन की बात करेंगे जो अप्रॉक्सीमेटली 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड है। अप्रॉक्सीमेटली ये 20 लीटर की माइलेज जो है वो क्लेम करते हैं इस कार में, विच इज ओके। यहाँ पर हमें हैंड ब्रेक मिल जाता है, ट्विन कप होल्डर्स मिल जाते हैं, कोई वायरलेस चार्जिंग पैड नहीं मिलता है, बट USB और 12 वॉट का यहाँ पर हमें सॉकेट जो है वो देखने को मिलता है। बूट स्पेस इज डिसेंट, नॉट बैड। टच स्क्रीन इज ऑल्सो क्वाइट रिस्पॉन्सिव, नॉट बैड। मैनुअली डिमिंग IRVMs, यहाँ पे कुछ इल्यूमिनेशन, और अपने जो ड्राइवर साइड में कुछ भी हमें मिरर नहीं मिलता, वैनिटी, वो ड्राइवर साइड में वैनिटी मिरर जो है वो मिल जाती है। दैट्स अबाउट इट गाइज, वाई दिस कार बिकम्स अ वैल्यू फॉर मनी। इट गिव्स बेसिक फीचर्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हमें मिल जाता है, सुंदर सी डुअल टोन में हमें इंटीरियर्स मिल जाती हैं। सो मेरे नज़र में 10 लाख में आपको बहुत अच्छी गाड़ी मिल जा रही है, विथ अमेजिंग स्पेस, अमेजिंग पावर टू ऑफर। टॉकिंग अबाउट पावर, तो इस टॉकिंग अबाउट पावर गाइज, यहाँ पर 89 हॉर्स पावर एंड 113 न्यूटन मीटर टॉर्क का ये पावर आउटपुट जनरेट करती है। अगेन गाइज, सिटी के लिए, हाईवे के लिए मारुति सुजुकी इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स। ऐसे ही लोग इसे ज़्यादा पसंद या खरीदते नहीं हैं। आप बताना आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगे। अभी तो क्विक वॉक अराउंड ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ऑफ द मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। मैं मिलूंगा बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, आई लव यू ऑल।